वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ पुजुल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट, ठीक है, जो आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सारे ही एग्ज़ामिनेशंस में करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और लगभग इस एग्ज़ाम में हमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम मैक्सिमम जितना भी करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे होता है वो लगभग एक साल तक का करंट अफेयर अपने एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। जैसे कि अगर 2020 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 20 का पूरा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट मंथ 19 का भी मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ही हमारा करंट अफेयर कवर हो सकता है तो हम उसको कवर करें, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट, जो आज का हमारा मेन करंट अफेयर्स है, वो लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला आज का न्यूज़ है वो ये है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और इसकी समिट की जो थीम रखी गई है वो है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, ठीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे लॉन्च किया है, मतलब इसका इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है PFG, ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सचिन तेंदुलकर का नाम जुड़ा होने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट बन गया। पेटीएम की सहायक कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, तकनीकी दिग्गज अमेजन ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भारत की एलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में भागीदारी की है। मतलब एलेक्सा में जो आवाज़ डाली जाएगी वो फर्स्ट टाइम्स किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ डाली जा रही है, जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा जो अभियान है वो किस राज्य से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री सॉरी तो महाराष्ट्र से है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो उद्धव ठाकरे जी ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस, जैसा कि आपको पता ही होगा, आज 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसके याद में, मतलब किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, विश्व सुरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, मतलब कि इस दिन आज के दिन दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, एक तो हो गया इंजीनियर्स डे और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा, जापान में योशिदे सुगा को प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक तो हमारा ये हो गया कि किससे चुना गया है उनका, जापान के प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी, तो ये हो गया योशिदे सुगा, और वो किस पार्टी, मतलब किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये हो गया लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP। नेक्स्ट है, NDA के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, ठीक है। और ये हैं 12वें उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन चुना गया, राकेश खुल्लर। और समीर कुमार खरे ADB में नए कार्य, मतलब ADB से रिलेटेड हैं समीर कुमार खरे और वर्ल्ड बैंक से हैं राजेश खुल्लर, ठीक है। मतलब इन दोनों को कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन की घोषणा की है,
ठीक है, बुक्स हमेशा ही एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, और इस टाइप की जो फेमस सेलिब्रिटी द्वारा लिखी गई बुक होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देख लीजिए, गौरी खान की लिखी हुई बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। नेक्स्ट है प्रख्यात बच्चों के लेखक नदिया बिहारी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है, वो 90 वर्ष के थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि नदिया बिहारी मोहंती का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये लेखक हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए लिखते थे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉरपोरेटाइजेशन की प्रक्रिया के निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है OFB, को कॉरपोरेटाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी को यूरो मोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा है कि HDFC बैंक के MD कौन है, आदित्य पुरी। ठीक है, और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, यूरो मोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और किसने दिया है ये, यूरो मोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020। रिलायंस इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, मतलब मार्केट कैप का जो मतलब होता है वो होता है मार्केट कैपिटल। रिलायंस इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक के बीच में एक MOU हुआ है। नेक्स्ट है सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट है हमारा जिन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO जिन फ्रेजर। ठीक है, देखिए जो हमारा कंट्री करेंसी कैपिटल होता है ये लगभग सारे ही एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कंट्री और करेंसी दिए जाते हैं। ठीक है, तो और एग्ज़ाम में वही कंट्री और करेंसी मतलब अक्सर पूछी जाती है कंट्री कैपिटल जो फ़िलहाल न्यूज़ में लेटेस्ट चर्चा में रहती है। ठीक है, तो वही जो कंट्री होती है उसकी कैपिटल एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। देखिए कुछ ऐसे ही हम कुछ अगर कवर करेंगे तो हमारा कवर होते जाएगा। पहला है हमारा UAE, UAE की जो कैपिटल है वो अबू धाबी, और जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो है दिरहम। UAE अबू धाबी दिरहम। ठीक है, UK यूनाइटेड किंगडम, UK लंदन, पौंड स्टर्लिंग, मतलब UK की जो कैपिटल है वो लंदन और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। UK लंदन पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, उरुग्वे की कैपिटल उरुग्वे पेसो। ठीक है, उज्बेकिस्तान, इसकी जो कैपिटल होगी वो ताशकंद होगी और करेंसी सोम। ठीक है, वेनातू पोर्ट बिला वातो। ठीक है, तो ऐसे आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको मैक्सिमम कंट्री करेंसी और कैपिटल आपके माइंड में रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ये हैं हमारे अजय कुमार। ठीक है, जो डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अभी अपॉइंट किए गए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी, अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी, तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, TV सोमनाथन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी, राजीव गुबा कैबिनेट
सेकेंड ट्रेंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप लर्न करिए और जितने भी कंटेंट्स हैं उनको आप इकट्ठा करके रखिए एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिवीजन करने के लिए। कुछ यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड। ठीक है, आई होप ये जो करंट अफेयर का सेशन मैंने आज आपके सामने रखा है ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी को अपना मेन टारगेट रखा है उनके बीच में ये वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैक्सिमम इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल की करंट अफेयर ला के आपके सामने रखूँगी जिससे कि आपका रिविज़न हो जाए।